इकाई अंक पर आधारित, इकाई अंक पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने टाइप वन पढ़ा था और आज हम लोग टाइप टू में प्रवेश, ठीक है, और टाइप टू में सीखेंगे इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग को सीखना है पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालने का तरीका, पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालने का तरीका। अगर पावर वाला प्रश्न रहेगा तो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे आपसे कोई कह देगा ए बाबू 732 के पावर 321, ध्यान देंगे प्यार से इधर, 732 के पावर 321 का इकाई अंक क्या होगा। आपसे किसी ने कहा कि 732 के पावर 321 का इकाई अंक क्या होगा, 732 के पावर 321 का इकाई अंक क्या होगा, क्या निकालना है बच्चों इसका इकाई। अब ध्यान देंगे प्रश्न को समझेंगे, इसका मतलब हुआ कि 732 को 321 बार गुणा कीजिए, 732 को कितना बार गुणा कीजिए, गुणा करके बताइए कि इकाई अंक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, 732 गुणे 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 732 गुणे
बार हुआ, ऐसे ही लिखेंगे 321 बार। आ लिखेंगे आ लिख के गुणा करेंगे, आज से गुणा करना शुरू करेंगे, मरते दम तक तो करिए न लेंगे। आ इकाई अंक आ जाएगा। ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन बच्चों ऐसे प्रश्न बनाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा ना, तो आइए इसका हम लोग टेक्निक सीखते हैं। क्या इसका टेक्निक होगा इकाई अंक निकालने का, कैसे इकाई अंक इसका जल्दी निकाला जा सकता है। ठीक है, कहा गया 732 के 321, यानी 732 को 321 बार गुणा कीजिए और बताइए कि इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चों हम लोग बेसिक से बनाएंगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसका टेक्निक सीखते हैं हम लोग। टेक्निक सीखते हैं इसका, क्या इसका ट्रिक हो सकता है। बच्चों ध्यान लगाएंगे थोड़ा सा, इधर देखेंगे सब लोग, ठीक है ना, अच्छा है ना। देखिए इधर 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 इकाई अंक क्या आएगा, 2 के पावर 2 इकाई अंक 4, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, 2 के पावर 9, 2 के पावर 10। क्या है इकाई अंक? 3। 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 81। 3 के पावर 5, 200। 3 के पावर 6, 700। 3 के पावर 7, 27। 3 × 6 = 8, 3 × 7 = 21। अब देखो इकाई अंक, देखो इसका 3, 9, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1। चार बार के बाद रिपीट करने लग रहा है बाबू, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4,
सबको दिख रहा है यहाँ पे? हमसे किसी ने कहा कि दू के पावर 9 का इकाई अंक बताइए। उधर नहीं देखना है, उधर नहीं देखना है, फिर भी तुम लोग उधर देख रहे हो जरूर है। अभी कहा जाता है इधर नहीं देखना, उधर देखना है। कहा जो होगा
तीसरा राउंड में दो बार जाएगा तो क्या आता है? इकाई जाएगा। अच्छा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी ने आपसे कहा दू के पावर 13 का इकाई बताइए? Cool.
लिखा जानता है कि हम चार बार का होता तो सीधे क्या देगा चार दुख के पार चार इकाइयां बात समझ में आई कि नहीं है किसी ने आपसे कहा कि बहुत तीन के पार अस्सी इकाइयां बताओ तीन जस के अस्सी में चार से भाग दिया बीस चौके अस्सी अस्सी यानी राउंड पूरा कट रहा है ना बाबू राउंड पूरा हो गया साइकिल सिटी पूरा हो रहा है कुछ बच नहीं रहा है कुछ बच नहीं रहा है एक साइकिल सिटी कितने का होता है पावर क्या देगा तीन के पार चार इकाइयां कितना होगी साइकिल सिटी पूरा हो रहा है तो पूरा साइकिल सिटी कितने का होता है चार इकाइयां कितना है एक तो दूसरे शब्दों में इसी को रूल के भाषा में पहली बार बत्तीस के पार बाबू बत्तीस इकाइयां निकालो दो जस के पास बत्तीस में चार से भाग देंगे चार बट है बट गया याद रख लो जब भी पावर कट जाएगा जब भी पावर कट जाएगा तो सीधे चार देंगे याद रख लेंगे इस चीज को रूल बना लेंगे हम लोग समझ गए क्यों देंगे कैसे देंगे अब इसको रूल बना लेंगे कि जब भी पावर कट जाएगा सीधे क्या देंगे ये दो के पावर चार इकाइयां क्या है इकाइयां क्या है बाबू यहां से दो रूल सीखा पहला कि जब भी इकाई अंक निकालना हो पावर में चार से भाग देंगे जब भी इकाई अंक निकालना हो पावर में चार से भाग देंगे जो शेष आएगा उस शेष को बेस के पावर में रख करके हल करके इकाई अंक निकाल लेंगे परंतु अगर शेष नहीं आया यानी पावर चार से पूरी तरह विभाज्य हो गया या शेष जीरो आया उस केस में सीधे पावर में क्या देंगे जीरो देंगे जीरो नहीं देना है सीधे क्या देना है कौन जब कट जाएगा क्यों देंगे ये समझ गए ना आइए बच्चों मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों अब इस रूल को और शॉर्ट करते हैं और शॉर्ट करते हैं ठीक है हम लोग क्यों और कैसे सीखते हुए चलते हैं आपसे कोई कह दिया 722 के पावर 734 ऐसे इकाई अंक निकालो तो अब ये ना कि पूरे में चार से भाग दे रहे हैं ना पूरे में चार से भाग देने की जरूरत नहीं है अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में कि चार से कटने का रूल होता है कि जिस संख्या के लास्ट के दो अंक चार से कट जाता है जिस संख्या के लास्ट के दो अंक चार से कट जाता है वो पूरा संख्या चार से रूल होता है कि जिस संख्या के लास्ट के दो अंक चार से कट जाता है वो पूरा संख्या चार से कट जाता है ये रूल आगे हम लोग पढ़ेंगे इसलिए हमें पूरे में चार से भाग देने की जरूरत ऊपर के दो अंक से कितना दो अंक कितना अंक में इकाई अंक निकालना है तो बेस का इकाई अंक इकाई अंक निकालना है तो बेस का क्या लेंगे बाकी से हमको कोई लेना देना पावर कितना भी बड़ा हो बेस कितना भी बड़ा हो कोई मतलब नहीं बेस का एक अंक लेंगे पावर का बेस का एक अंक लेंगे पावर का याद करने का तरीका कंफ्यूजन हो तो नीचे से ए गो लेंगे ऊपर से दो गो लेंगे याद हो गया बाकी कोई भी चीज काम का नीचे वाला एक ऊपर वाला समझ गए कितना भी बड़ा उससे मतलब नहीं नीचे वाला एक ले लेना ऊपर वाला दो ले चौंतीस में चार से भाग दो चार बटे शेष क्या आया दूके पर दू गाया निकालना है तो नीचे से एक बेस का इकाई अंक ले लेंगे और पावर के दाहिने से दो अंक पे चार से भाग देंगे जो शेष बचेगा उस शेष को बेस के इकाई अंक के पावर में रख देंगे और हल करके इकाई अंक निकाल देंगे किसी भाइयों को कोई दिक्कत बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है उनको ज्यादा समझ में आ कोई लेना देना चार जस के 21 में चार से भाग दो चार पचे शेष
प्यारे विद्यार्थियों कि पावर के दाहिने से दो अंक में चार से भाग देंगे, जो शेष आएगा उस शेष को बेस के इकाई के फॉर्म में रख करके भाग करके इकाई निकालेंगे। दूसरी बात, अगर शेष जीरो आएगा तो पावर में क्या देंगे? चलो बताओ इकाई क्या हो? ये दो नहीं करता, जो शेष बचता वो लेते, कट गया तो सीधे क्या लेते? ठीक है बाबू, सुगा समझ में आ रहा है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, भाइयों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, ध्यान लगाएंगे। अब बाबू आपसे कोई कहेगा जीरो के पावर एक, इकाई एक बताओ, जीरो के पावर दो इकाई, जीरो के पावर तीन इकाई, जीरो के पावर पांच पांच, जीरो के पावर कुछ भी इकाई, जीरो के पावर कैटरीना इकाई क्या होगा? जीरो के पावर कुछ भी इकाई क्या होगा? आपसे कोई कहे 720 के पावर 999, यहाँ इकाई क्या? जब इकाई अंक पे जीरो रहे तो पावर कुछ भी रहे, कैटरीना चाहे सामान, इकाई अंक क्या होगा? जीरो। यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं है, वेयर कैटरीना इज पॉजिटिव इंटीजर, आई कैटरीना पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? एक के पावर बाबू एक इकाई अंक क्या होगा? एक के पावर दो इकाई अंक, एक के पावर तीन इकाई, एक के पावर पचास इकाई, यहाँ से हम जान गए कि एक के पावर कुछ भी रहता है इकाई क्या आता है। आपसे कोई पूछेगा 721 के पावर 777 इकाई, तो कहेगा यहाँ भी हम चार से भाग दे, कहाँ है देंगे भाग भाई? अरे भाग दो चाहे नहीं, उत्तर क्या आएगा? एक आएगा। इसको बनाने की जरूरत है क्या? इसका इकाई है जीरो का, उसी तरह एक पांच है, पांच के पावर एक इकाई क्या आता है? पांच के पावर दो का इकाई, पांच के पावर तीन का इकाई, पांच के पावर तीन का इकाई, पांच के पावर चार का इकाई। देखो पांच के पावर कुछ भी रख लोगे इकाई क्या है? आपसे कोई कहेगा 725 के पावर 888 का इकाई, यहाँ इकाई में क्या? यहाँ इकाई में पांच है तो पावर कुछ भी रहेगा, इकाई क्या होगा? पांच के साथ भी वही बात, एक और है छ, छह के पावर एक इकाई क्या होगा? छह के पावर दो का इकाई, छह के पावर तीन का, छह के पावर चार, 1296। हर स्थिति में इकाई क्या रहा? छह के पावर भी आप कुछ भी रख लो, छह के पावर भी कुछ भी रख लो, इकाई क्या आएगा? आपसे कोई कहेगा बच्चों की 776 के पावर 888 का इकाई होता है, बेस में छह अंक क्या होगा? चार डिजिट ऐसे हैं कि जिसके पावर में कुछ भी रखने पर इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जीरो एक पांच छह चार डिजिट ऐसे हैं कि जिसके पावर में कुछ भी रखने पर इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप लोगों ने सीखा नहीं सीखा? किसी भी संख्या के बेस में जीरो एक पांच छह रहे, अब पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक में कोई आपसे कोई कहेगा 775 के पावर 888 इकाई अंक जल्दी बताओ, बताओ। किसी ने आपसे कहा 321 के पावर 999 इकाई अंक बताओ, क्योंकि आप क्या हो लेके रह जाए। किसी ने कहा आपसे 321 के पावर 724 इकाई अंक बताओ, ठीक है। किसी ने कहा 666 के पावर 999 इकाई अंक बताओ, भाइयों को कोई दिक्कत? ठीक है ना बाबू? सुगा सोना।
हम लोग रूल सीख गए गायन निकालने का, शब्दों में सजा के लिख लिए, अष्टा बने को लिख लिए, ठीक है। पावर वाले प्रश्न का इकाइन निकालने का नियम एडी दीजिए और ऐसे पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालने का, पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालने का नियम, पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालने का नियम, ठीक है। पावर के दाहिने से दो अंक में चार से भाग देंगे, पावर के दाहिने से दो अंक में चार से भाग देंगे, जो शेष आएगा, जो शेष आएगा, जो शेष आएगा उस शेष को, जो शेष आएगा उस शेष को बेस के इकाई अंक के पावर में रखकर, जो शेष आएगा उस शेष को बेस के इकाई अंक के पावर में रखकर, बेस के इकाई अंक के पावर में रखकर हल करके इकाई अंक निकाल लेंगे, हल करके इकाई अंक निकाल लेंगे, हल करके इकाई अंक निकाल लेंगे। सिंगर के नीचे लिखिए, लिखिए देश का इकाई अंक 0156 रहने पर, देश का इकाई अंक 0156 रहने पर, 0156 रहने पर पावर कुछ भी रहने पर, पावर कुछ भी रहने पर प्रश्न के इकाई अंक में, पावर कुछ भी रहने पर प्रश्न के इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रश्न के इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रश्न के इकाई अंक में कोई परिवर्तन। रूल समझिए बच्चों, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइएगा इकाइयां, एक अंक दो अंक, एक
टाइम्स में आठ से भाग दो, चार पाँच वन के पावर कुछ नहीं हुआ, डबल जीरो में चार से भाग दो लिखवा दो, रटवा दो, चारों क्वेश्चन बनवा दो, हम तो क्लास में याद करवा देते सब कुछ, फिर आपको घर पे जाके याद करिए, किसको नहीं याद रहेगा, नीचे से बोला ऊपर से बोलेगा, जान के तो नहीं भूल पाएगा, भूलेगा जी। चलो पहला क्वेश्चन का किसी भाइयों को कोई दिक्कत? चलो प्रश्न संख्या दो पे आ जाओ, 6593 के पावर 425 का इकाई क्या होगा? 6593 के पावर 425 का इकाई तीन ले लिए और ऊपर से 25 ले, तीन जब के तब 25 में चार से भागा दो, चार के शेष क्या है? तीन के पावर एक इकाई। किसी भाइयों को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट, 313 के पावर 172 क्या इकाई है बताओ? यहाँ तीन ले लिए, 72 में चार से भाग दो, कट जाएगा, कट जाएगा पावर चार नहीं, तीन के पावर 4 81 क्या होता है? ठीक है, अब एक अलग से भी रूल पढ़ाया जाता है, 3 9 7 1 के लिए इवन नंबर रहेगा तो 1 होगा, 2 4 8 6 के पावर इवन नंबर रहेगा तो 6 होगा, ये सब याद नहीं करना, कितना रूल भाई याद करोगे, दो काफी है, इससे सब क्वेश्चन बन जाए, बात समझ में आए ना? ठीक है, तो किसी भी आप पढ़ोगे या कुछ कॉपी में दो और रूल एक्स्ट्रा मिल जाए तो समझ जाना पक्का रूल मार्क चलता है, बच्चों ना उससे कुछ फायदा नहीं होता है, जितना फायदा होगा उतने नहीं जी, सब क्वेश्चन इतना समझ जाए। आई वर्ड है 7 के पावर 35 बुढ़े 3 के पावर 71 बुढ़े 11 के पावर 55 इकाई अंक क्या होगा इसका? देखो 7 है 35 है, इसमें 4 से भागा दो, इसमें 4 से भागा दो, 1 के पावर कुछ भी 7 के पावर 3 300 43 इकाई अंक, 3 के पावर 3 इकाई अंक 7 से गुणा किए, अंतिम रूप से इकाई क्या है? यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1। भाइयों समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा है, चलिए मिटा दे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5, 2467 के पावर 153 पूरे 341 के पावर 72 पूरे 225 के पावर 7 सेकंड इकाई बताओ, बनाओगे इसको? ये तो कल हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं याद आ रहा है, कल ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेस में कहीं भी एक जगह होगा आप बना भी लो पावर में चार से भाग देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्या आएगा आपका?
करते हैं। ओके, 2464 के बाद 1793 गुणे 715 के बाद 317 गुणे 131 के बाद 491 इकाइयां बताओ बाबू। बाबू आप क्या है? आया इवन नंबर है बनाए हम चाप से भाग देंगे। सीधे उत्तर क्या होगा बाबू? सीधे उत्तर क्या होगा? यूनिट बीजी जीरो होगा। संख्या 7 की करते हैं बात गोस्वामी सर के साथ। 124 के बाद 372 भला 124 के बाद 373 बहंता भी होता है बहत्तर होता है ऐसे ही हम बोलते हैं। 124 के पास 372 प्लस 124 पर 373 यहाँ प्लस है ना बाबू बनाने को नीचे से एक ऊपर से कितना भी बड़ा है उससे क्या मतलब नीचे से एक लेना है ऊपर से दो को लेना है ठीक है। 4 10 के 72 में 4 से भाग दो बच जाएगा तो और क्या दोगे? 4 10 के 73 में 4 से भाग दो कट जाएगा नहीं कटेगा एक बचेगा। 4 के पास 4 बाबू 256 4 के 4 पास 4 क्या होता है 256 6 4 मिलके इकाइयां कितना है? यूनिट डिजिट जीरो क्या होगा समझ में आ रहा है हीरो? उत्तर क्या होगा? जीरो। आ जाओ अगले प्रश्न में बाबू। सुगा सोना 8 नंबर क्वेश्चन 36 के पावर 12 माइनस 35 के पावर 12 का इकाइयां क्या होगा? क्या होगा 36 के पावर 12 माइनस 35 के पावर 12 इकाइयां क्या होगा? 6 के पावर कुछ भी रहे इकाइयां क्या होता है और 5 के पावर भी कुछ भी रहे इकाइयां क्या होता है? 6 में से 5 जगह इकाइयां क्या है? इकाइयों पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन आपने कहा है इधर 35 हो जाए 35 के पावर 12 ठीक है इसको कुछ भी हल करें कि कुछ आएगा मानो आए तो कुछ आएगा लेकिन ये जो भी आएगा ये माइनस में आएगा ये प्लस में आएगा। माइनस वाला का मान ज्यादा होगा प्लस वाला का मान कम होगा। हल करेंगे तो जो आएगा वो आएगा लेकिन किस चीज में आएगा? माइनस में आएगा। जो आना है वही आएगा इसमें से तो घटा हुआ उसमें से ये घटा लेकिन किस चीज में आएगा? माइनस में। लेकिन इकाइयों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वन के वन रहेगा। ऐसा नहीं सोचते 15 में 6 बढ़ेगा 9 बढ़ेगा इकाइयों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इधर है या बात समझ गए? बस ये पहचानना होगा बड़ा कौन है छोटा है। बड़ा ये है ना बाबू तो 6 में से 5 गया है इकाइयों क्या होगा ठीक है इकाइयों माइनस 1 नहीं होता। चलो आगे बढ़ो प्रश्न संख्या 9 17 के पावर 9999 प्लस 11 के पावर 1999 माइनस 7 के पावर 1900 इकाइयां निकालना है बच्चों।
नीचे से बोलो ऊपर से दो बोलो नीचे से बोलो ऊपर से इसका जो आएगा उस वही उसका आएगा तीनों खत्म अरे बाबू सात के पर ही नाम पे हुआ ना ये भी क्या हुआ सात के पर ये दोनों खत्म मिस्टर का एंड देखो फिर समझ में आया क्या ये भी बाबू का एंड निकालेंगे तो सात के पर नीना और सात के पर निन्यानवे का जो इकाई हम काम हो वही सात के पर निन्यानवे का भी होगा तो इसका इकाई फनी बेंट करेगा उत्तर क्या होगा किसी भाइयों को कोई दिक्कत ठीक है अच्छा है वायु प्रशासन के पास जाते दो के पास चार चार के पास चार छ के पास छ और आठ के पास क्या इकाई क्या हो देखो दो चार आठ छ में ऐसा गुण है कि इसके पावर इवेन नंबर जब भी रहता है तो इकाई अंक हमेशा छ आता है दो चार आठ छ के पावर कोई भी इवेन नंबर रहेगा इकाई अंक क्या आता है देख लो नहीं आ रहा दो के पावर चार इकाई अंक क्या होगा चार के पावर चार 256 इकाई अंक क्या होगा छ के पावर छ इकाई अंक क्या होगा आठ के पावर आठ है तो मान लो ये नहीं समझ में आ रहा आठ के पावर आठ आठ में चार से भागो तो क्या है आठ में चार से भागो कट जाएगा ना अब कट जाएगा तो पावर में क्या लोगे आठ को चार बार गुणा करेंगे अगर टाइम चार बार फिर दो बार फिर इकाई अंक क्या आया फाइनल इकाई अंक क्या आया याद रख लेना कि दो चार आठ छ पावर जब भी इवेन नंबर रहेगा क्या रहेगा इवेन तो हमेशा इतनी दिन क्या आएगा दो चार आठ छ के पावर कभी भी कोई इवेन नंबर रहेगा तो इकाई अंक क्या आएगा इवेंट नंबर एक मिनट हमेशा नहीं आएगा हमेशा इवेंट नंबर पर नहीं आएगा दो के पास दो के तो चार हो जाएगा चार से दो चार आठ छ के पावर जो है ना चार से कटने वाला संख्या रहेगा तब आएगा छ चार से कटने वाला समझ रहे ना चार आठ बार ये रहेगा तो छ दो के पास चार इकाई क्या आएगा चार के पर चार का इकाई अंक और छ के पर छ का इकाई अंक छ के पर कुछ भी रहता है इकाई अंक क्या आएगा किसका निकालना है निकाले तो नहीं क्या है तो छ छ के कितना भी बार गुणा करेंगे इकाई अंक क्या आएगा हो गया आगे बढ़े क्या वो इवन नंबर वाला तुमने क्या देखा ठीक है वो चार के मल्टीपल रहेगा तब आएगा आगे बढ़े कोई दिक्कत नेक्स्ट चलो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच के पावर 72 का इकाई अंक 6 है तो के का मान क्या होगा इसका इकाई अंक 6 है तो के का मान क्या होगा तो इसका इकाई अंक दिया गया है 6 है इकाई अंक क्या दिया गया है 6 है तो के का मान क्या होगा देखो के जस के पास 72 में कितना से भाग दोगे आप चार से 72 में चार से भाग दोगे सेम क्या आएगा 72 चार से कट जाता है ना और जब कट जाता है तो पावर में क्या देते हैं कट जाता है पावर में क्या देते हैं के के पावर चार इकाई अंक 6 के जगह क्या रखें कि इकाई अंक 6 आ जाए बताओ दो रखेंगे तभी आएगा ऑप्शन ए में 6 है 6 रखेंगे तभी आएगा 8 के पावर 4 का भी इकाई अंक क्या होगा और 2 के पावर 4 का भी इकाई अंक क्या होगा यानी 6 भी सही 8 भी सही और 2 भी सही उत्तर होगा ऑल ऑफ देम सभी विकल्प सही अब के की जगह क्या रखें कि इकाई अंक 6 आ जाए 6 रखेंगे तो 6 के पावर 4 का भी इकाई अंक क्या होगा 6 और दो रखेंगे तो दो के पावर चार का भी इकाई क्या होगा ठीक है आगे बढ़ो ठीक है ना 12 नंबर क्वेश्चन चाहिए 251 के पावर 98 प्लस 21 के पावर 29 माइनस 106 के पावर 100 माइनस
105 के पावर 35, ये पूछा हुआ क्वेश्चन एक्सएससी का, ये सब तो पूछा हुआ नहीं है, इसका इकाई अंक निकालना है। क्या निकालना है बच्चों बताओ? एक के पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक क्या है? यहाँ भी छ के पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक, पांच के पावर कुछ भी रहेगा चार, ठीक है। एक के पावर कुछ भी रहेगा इकाई अंक, एक के पावर कुछ भी इकाई अंक चौथा सेम रह गया। पॉजिटिव एक साथ जोड़ो, एक के दू नौ ग्यारह का इकाई अंक, छ पांच ग्यारह चार पंद्रह का इकाई अंक। अब हम एक में से पांच जाएगा, एक में से पांच जाएगा इसको हम लोग ग्यारह मान लेंगे। क्या मान लेंगे? देखो इकाई अंक माइनस में नहीं होता, इकाई अंक हमेशा प्लस में होता है। एक में से पांच जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे दोनों ग्यारह ग्यारह की इकाई अंक कितना, निगेटिव का जोड़े छह पांच ग्यारह चार पंद्रह का इकाई अंक। एक में से पांच जाएगा, नहीं जाएगा, एक नहीं जाएगा, इसे एक को क्या मान लेंगे ग्यारह, ग्यारह में से पांच चल जाएगा ना, क्या आएगा इकाई अंक। यानी प्रश्न के इकाई अंक क्या है? यूनिट डिजिट, ठीक है। बलिए वृंदावन बिहार इलाज की।